हेलो, आज का क्वेश्चन आया, शादी को 9 साल हो गए हैं, डॉक्टर बोलते एग नहीं बनता और पीरियड का भी इशू है, टाइम पे नहीं आते, बहुत मेडिसिन ली, पाकिस्तान में बहुत इलाज करवाया मगर कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लिकेट है इस पर आपको आंसर करना, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफ़ी ट्रीटमेंट किया है, मुझे नहीं पता अभी आपने क्या ट्रीटमेंट लिया क्या नहीं लिया। अगर और दूसरा आपका मैसेज था कि आपको पीरियड इन रेगुलर आ रहे हैं, तो थोड़ा जो मैं इस पर समझ सकता हूँ तो मैं अपना एज ए ओपिनियन दूंगा, मगर ये फाइनल आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, ट्रीटमेंट वही जो आपका आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि ये मेडिसिन क्या सही है कि नहीं। फर्स्ट ऑल, अगर आपको पीरियड इन रेगुलर हैं तो आपको ये चेक करना है कि आपको PCOS तो नहीं है। PCOS में ये होता है कि जहाँ पे आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपके फेस पे आकने आ जाते हैं, या आपके बालों का इजाफा हो जाता है, या आपके चेस्ट या आपके फेस पे बालों का इजाफा शुरू हो जाता है, या फिर आपको पीरियड आते हैं बट उसका कोई टाइम नहीं है, कभी कभार आगे कभी नहीं आते, जब पीरियड नहीं आएंगे तो आपके ओवुलेशन भी नहीं होगी, आपका एग भी नहीं बनेगा। और ये भी एक होता है, ये PCOS में एग तो होते हैं मगर वो मेच्योर नहीं होते, वो बनते नहीं हैं, तो ये भी एक कॉज हो सकती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन होनी चाहिए। बट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका अपना लाइफस्टाइल, इसमें आपको लाइफस्टाइल में आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, हेल्थी फूड, ऑयली जंक फूड, फास्ट फूड कुछ नहीं खाना, कुछ चटखारे दी चीज़ें जो खाते हैं उसको भी क्विट कीजिए, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स ग्रिल करके, अगर मीट भी खाते ग्रिल खाएँ, सलाद खाएँ दिन में, आप मैं ये बोलूँगा आप दिन में ज़्यादा खाएँ मगर खाएँ हर 2-3 घंटे बाद, पर खाएँ छोटे पोर्शन मगर हेल्थी, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेंगी। साथ साथ मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप अगर आपको PCOS है, PCOS के लिए आपको मेटफॉर्मिन आप ले सकते हो विद उसके साथ मेलाटोनिन, ये आप यूज़ कीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा अगर आपको PCOS है। साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्लोमाइड, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और साथ साथ आपके एग को मेच्योर करता है, आपके अंडे इस जमाने में आपके अंडे बनते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर कंसल्टिंग से। स्टिल आप जो भी यूज़ करेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका अपना लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। 9 साल से आप बच्चे की ट्राई कर रहे हैं, मतलब बच्चा नहीं हो रहा, तो ऑलरेडी आप स्ट्रेस में हैं, तो इसको मैनेज कीजिए। एक चीज़ आपके पास नहीं है तो उसको और स्ट्रेस मत लें, ट्राई करें अपने आप से, कोशिश कीजिए अपने आप को, लाइफ को थोड़ा चेंज कीजिए, चेंज करेंगे इससे ही आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर बच्चा हो गया अच्छी बात है, नहीं होता तो IVF का आपके पास ऑप्शन है। समटाइम आपकी जेनेटिक भी हो सकता है कि आपके एग नहीं बन रहे, ये जेनेटिक्स की वजह से भी होता है, कुछ फीमेल को इवन उनके पीरियड्स आ भी रहे हों तो उनको एग मेच्योर नहीं होता, तो उस पर अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर आपने ऑलरेडी ट्रीटमेंट की है तो IVF की तरफ जाएँ, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। फिर भी आप ये जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ आप ये ट्राई कर सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको अपना स्ट्रेस को मैनेज करना है, हेल्थी फूड, हेल्थी और स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, 7 से 8 घंटे आपको स्लीप करना है, लैपटॉप मोबाइल टीवी लेट नाइट वॉच नहीं करना, डार्कनेस के अंदर कुछ नहीं देखना। बाकी आपको ये क्लोमिड लीजिए या फिर आप मेटफॉर्मिन विद मेलाटोनिन इवन क्लोमिड के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको स्लीप आएगी, आपके हार्मोन बैलेंस होने में हेल्प करेगा, आपके एग बनने में हेल्प होगा। और आपको ये भी देखना है अगर आपको PCOS हैं तो इसके जो सिम्टम्स बताएं, अगर बहुत सिम्टम्स हैं तो आपको PCOS हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम आपको जेनेटिक भी हो सकता है तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो IVF की तरफ जाएं, वो आपको एक अच्छा ऑप्शन होगा, वो भी अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से सजेस्ट जो आपको सजेस्ट करेंगे वो आपको बेटर जानते हैं। मैं सिर्फ आपके कमेंट से एक छोटी इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, इसका ये मीनिंग मे बी आपके लिए इलाज सूटेबल हो, मे बी आपको इलाज ऑलरेडी कर चुके हो, या मे बी आपके लिए डिफरेंट इलाज होना चाहिए, अकॉर्डिंग जो आपको डॉक्टर बोलेगा वो कीजिए। इसके अलावा और आपको क्वेश्चन, यू फिट टू आफ मी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।